सच्ची बताऊँ, मैं इसके वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, मैं आप कैसे बताऊँ इतना मुझे पसंद था ये कार। बस महादेव का कृपा था जो मुझे ये कार में वेट करना नहीं पाया और मुझे मिल गया। सो ऑलमोस्ट सबने सही गेस किया था, M340i विल बी माई प्रोजेक्ट कार, बेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट M340i, आई कैन अश्योर यू दैट। डिसेंटली लाउड, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लाउड है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे। टाइम टू रिवील द कार। हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं मेरे भाई लोग। सो जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, एंड मुझे मालूम है कि काफ़ी सारे मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब किए हैं, एंड टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय ऑल माय सब्सक्राइबर, द मोमेंट इज़ हियर। सो ये एक्चुअली सरप्राइज़ मैं चाहता था कि मैं श्रेया के साथ दूँ आप लोग को, बट अनफॉर्चुनेटली श्रेया यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का तबीयत हल्का सा ख़राब है, बट अभी वो एकदम ठीक है, तो श्रेया उनके साथ है, तो इसके कारण शेयर नहीं आ पाएगी ब्लॉग में। बट नेवरदलेस मैं ट्राई करूँगा कि उसको बाद में एंडिंग में ऐड करने का, बट हाँ मैं मेक श्योर करूँगा कि इसके बाद शेयर एक भी ब्लॉग में मिस आउट ना करे। सो फाइनली मैं आप लोग को रिवील करने जा रहा हूँ जो मैंने लिया है, एंड इट्स वन ऑफ माई, अभी मैं सच बोलूँगा ही, सो ये एक टाइम पर मेरा मतलब ड्रीम कार था, मतलब सच ही बताऊँ, मैं इसके वीडियोज़ देखता था यूट्यूब पर, मैं आप कैसे बताऊँ इतना मुझे पसंद था ये कार, मैं इतना हर दिन इसका वीडियोज़ देखता था, ड्राइव का मॉडिफिकेशन, मतलब लिटरली मैं यूट्यूब पे पूरा एक हिस्ट्री देखोगे तो सिर्फ इस कार के बारे में ही था, कि मतलब आई वॉज सो इन लव विद दिस कार। थैंकफुली ये कार अवेलेबल था जब मैंने इसके बारे में पता किया, 0 किलोमीटर ड्राइव, बस महादेव का कृपा था जो मुझे ये कार में वेट करना नहीं पाया और मुझे मिल गया। सो आप लोगों का बहुत वेट करा दिया, टाइम टू रिवील द कार। सो हियर इज माय न्यू BMW M4 कॉम्पिटिशन। This is what I'm talking about, guys. Finally, this is Sean Paul yellow. Yes, with the same yellow interior, not completely yellow. इट हैज़ अ ब्लू एज वेल। आप लोग को कैसा लगा गाइस? ये कलर से तो मुझे प्यार हो चुका है, मतलब ऑफकोर्स 337, दिस लुक्स इनसेन ना गाइस, इट्स एक्चुअली माई ड्रीम कार। मैंने इसका स्पॉयलर भी मतलब इसमें कंपनी फिटेड स्पॉयलर आता है, बहुत ही बेकार लगता है ये ब्लैक कलर का। इंडिया में तो कार्बन फाइबर ऑप्शन ही नहीं है, जबकि इंटरनेशनली ये जो स्पॉयलर आता है, लेस स्पॉयलर, ये कार्बन फाइबर होता है, तो मैंने इसको हटा दिया। बट जस्ट लुक एट दिस गाइस, अमेजिंग ना, द CF रूफ एज वेल, आई डोंट नो वीडियो कितना जस्टिस कर रहा है, but just look at this guys, it's a competition package, it's M4 competition, just look at this guys, insane right। aap log please batana guys comment section mein kaisa laga, aur aap log please batao main isme kya kya kar sakta hu,
मैं तो बहुत क्रेजी क्रेजी प्लान्स है इस कार के साथ। मैं M4 अपनी बहन के साथ है पीछे, ये देखो मैं M340i। अरे मैं बताना भूल गया गाइस, मैंने इसमें न्यू BBS के व्हील्स लगाए। प्लीज 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 मुझे बताना कैसा लगा है आप लोगों को, क्योंकि अभी तो ये शायद वीडियो वोंट डू जस्टिस, इट्स सो ब्यूटीफुल इन रियल। आप लोग भी बताना कैसा लगा है। ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड संतोष, मिस्टर हॉर्स पावर कार्टेल, जिसने मुझे सजेस्ट किया था यस इसका प्रोजेक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था। एंड ऑल्सो यू गाइज गेट हैव नॉट गेस्ट व्हिच इज माय प्रोजेक्ट कार। Already started, like the work has already started on the car. So, and can, if you all can guess which car we are making our project car, and that's going to be 1000 BHP, no kili. आप लोगों को guess करना है कि मैं project car कौन सा होने वाला है, so please guess. जो आप लोग almost सबने सही guess किया था, M340i will be my project car. It's starting very soon. Touch wood, मार्च में इस पे काम चालू हो जाएगा। And trust me guys, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोला, आपको तो मालूम है मैंने आज तक एक भी झूठ नहीं बोला, बिकॉज मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। ये जो होगा ना, ये बीस्ट होगा, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट M340i, आई कैन अश्योर यू दैट। सो टाइम लगेगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा ही, क्योंकि अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, बट मेक आई विल मेक श्योर गाइस कि इट विल बी द फास्टेस्ट M340 इन इंडिया, क्योंकि अनलाइक अदर्स आई डोंट गो बैक ऑन माय वर्ड्स। ये सब चीज़ अपने को तो आता नहीं है, बट गाइस कैसा लगा आपको, जस्ट लुक एट दिस। और उसको GT4 कितना मस्त कॉम्प्लीमेंट करा है, GT4 भी काफ़ी टाइम से मैंने चलाया नहीं, उसको भी चलाना है। अनफॉर्चुनेटली गाइस, मेरा जो जी वैगन है उसमें एक प्रॉब्लम हो गया है वाल्व से रिलेटेड। कार में अभी सब कुछ तो मैंने काम करा लिया, बस उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको मैं जैसे जल्द से जल्द ठीक करके आई विल स्टार्ट ड्राइविंग माई जी वैगन अगेन। एंड ऑल्सो अगर आप लोग को मालूम होगा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था, एंड मैं आप लोग को भी पूछ रहा हूँ, टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, प्लीज़ आप लोग बताओ कि मुझे इस पर कौन सा कलर करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे सबने नाडो ग्रे बोला है, क्या आप लोग को भी लगता है नाडो ग्रे करना चाहिए? क्योंकि मैंने ब्लैक किया है, मैंने कैमोफ्लेज किया है, मैंने ब्लैक किया, सैटिन मैट ब्लैक किया, क्लॉथ ब्लैक किया, कैमोफ्लेज किया, अभी मैं वाइट और ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन दिया हूँ, जो मतलब सारे व्हील आर्चेस, फ्रंट बम्पर, द रूफ, मैंने उसको अभी ग्लॉस ब्लैक कर दिया है, तो इसका व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आया। बट आप लोग मुझे बताओ गाइस, इस पे नाडो ग्रे करना चाहिए? प्लीज़, टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, आई एम जेन्युइनली आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है कि नाडो ग्रे विल सूट दिस कार द मोस्ट, बिकॉज मैंने नाडो ग्रे अभी तक किया भी नहीं है, एंड मेरी फैमिली में भी सबको नाडो ग्रे बहुत पसंद है, और ऑलमोस्ट मेरे को लगता है नाडो ग्रे इज समथिंग जो मैंने नहीं देखा है इंडिया में अभी तक, नाडो ग्रे जी वैगन, बट आई थिंक दिस नाडो ग्रे विल लुक अमेजिंग। बाय द वे, नाडो ग्रे में मैंने सोचा है कि मैं व्हील आर्चेस ये सबको ब्लैक नहीं रखूंगा, मैं कंप्लीट नाडो ग्रे करने का सोचा हूँ। सो आप लोग प्लीज़ बताना गाइस कि नाडो ग्रे विल बी अ गुड ऑप्शन और नॉट, प्लीज़ लगता है ना, प्लीज़ बताना गाइस। कमिंग बैक टू माई M4 कॉम्पिटिशन, मैं आप लोग को इंटीरियर दिखाना चाहता हूँ इसका। और हाँ हाँ हाँ, एक चीज़ और, आप लोग मुझे बताओ कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। M340i पे तो काम चालू होने वाला है, जी वैगन में एक छोटा सा इशू है, उसको ठीक करके उस पर रैप करने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताओ, मुझे M4 कॉम्पिटिशन पे क्या क्या करना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैंने इस पे तीन चीज़ें सोची थी जो मैं आप लोग से शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आप लोग से सब कुछ शेयर करता हूँ। पहला सोचा था मैंने एडो का स्पॉइलर, दूसरा सोचा था मैंने सेम फ्रॉम एडो द CF Hood, and also I'm planning a nice exhaust setup because it's not that loud guys, honestly maine jo expectation tha ki a competition must be loud, but it's not loud, you know aajkal ek bahut decibel chal raha hai ki exhaust itna loud nahi hona chahiye, I don't understand bhai ki matlab ye kya hai yaar, matlab car modification mein din pe din alag alag rules aa rahe hain, literally matlab kya hai yaar, hum cars jo hum log cars ke liye jeete hain, हम लोग को तो कम से कम फ्रीडम दो यार कि अपने कार पे, एनी वीज वी पे सो मच टैक्स गाइस, आपको तो मालूम ही है जो भी इंडिया में रहते हैं, दैट वी पे मोर देन 200% टैक्स, 210 समथिंग टू इम्पोर्ट अ कार, बेसिकली नॉट डायरेक्ट इम्पोर्ट तो होता नहीं है हम लोग का, वो भी होता है, बट अगर हम डीलरशिप से भी लेते हैं, अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं सही बोलूँ तो एक लैम्बोर्गिनी जो है हुरकान विल कॉस्ट यू अराउंड 2.5 समथिंग इन दुबई, दैट द सेम लैम्बोर्गिनी विल कॉस्ट यू 5 CR इन मुंबई। सो एटलीस्ट इतना तो फ्रीडम दो गाइस कि हम लोग अपने कार पे मॉडिफिकेशन तो कर सके यार, मतलब ऐसा नहीं बोला कि टू चेंज द कलर, वो भी हम जब कहते हैं, मैं जब भी अपने कार का कलर चेंज करता हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं RTO से परमिशन लेके करूँ, बट एग्जॉस्ट वगैरह ये सब के लिए इतना स्ट्रिक्ट होना, आई डोंट थिंक सो, दैट्स समथिंग आई सपोर्ट, बट नेवरदलेस मैं बोलने से क्या ही होगा, बट ऑल माई यूट्यूब फैमिली विल अंडरस्टैंड, जिसको कार्स का बहुत शौक है वो समझेंगे कि यार ये सब चीज़ का तो परमिशन होना चाहिए। अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को मैं इंटीरियर दिखाता हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग, एज यू कैन सी, दिस हैज दैट सेम सॉन पॉल येलो का, इस पर से बाहर से ऐसा स्टिचिंग किया हुआ यहाँ पे है विद द ब्लू कलर, द कॉम्बिनेशन इज जस्ट वाओ, लाइक इट लुक्स सो डिफरेंट। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ गाइस, अगर आप यहाँ से देखोगे कितना उठ के आता है, ये देखो गाइस, इतना क्रेजी लगता है ना, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है ये। सो इट्स ऑफकोर्स इट्स M4, सो इट्स टू डोर, इफ एनीवन वांट्स टू सिट बिहाइंड, व्हाट ही हैज टू डू इज
I should do this. The seat automatically goes ahead, and then this has enough space for a guy even like me who is very tall can go behind and sit. ठीक है, शायद मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं हल्का लंबा हूँ, मतलब मैं हूँ लंबा, बट जैसे 5'8", 5'9", दे कैन ईजली सिट, 5'8" तो आराम, मतलब 5'7", 5'8" तो आराम से पीछे बैठ सकते हैं, और कंफर्टेबल है सीट्स. ओके, सो ऑफ कोर्स पहले आप लोग को एग्जॉस्ट नोट सुना ही देता हूँ इसी बात पे. तो अभी तो कोल्ड स्टार्ट होगा गाइस, काफ़ी टाइम से इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी तो कोल्ड स्टार्ट होगा, तो हल्का सा आपको लगेगा कि लाउड है, बट ऐसा है नहीं. कोल्ड स्टार्ट के बाद कार अगेन नॉट लाउड गाइस, लोगों को मैं पीछे लेके चलता हूँ. आई थिंक द कोल्ड स्टार्ट इज ओवर, दिस इज हाउ इट साउंड्स. एक चीज तो आप लोगों को बताना ही भूल गया गाइस, मुझे इसके व्हील्स से प्यार है. दिस हैज दैट कंपटीशन व्हील्स, अमेजिंग इट लुक्स, जस्ट लुक एट दिस गाइस, क्रेजी व्हील, बहुत प्यारे लगते हैं. आप लोग बताना गाइस आप लोगों को कैसा लगा. आई ट्राई टू आई ड्राइव इट सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कैसे साउंड करता है. हियर वी गो. सो दिस इज राइट नाउ इन M1 सेटिंग. मैंने M1 को एकदम नॉर्मल कंफर्ट रखा है, सब कुछ उसमें मैंने सेटिंग किया है. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू गेट अ प्रॉपर M, उसमें एक चीज होता है, यू डोंट हैव अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स मोड ओवर हियर. सो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्पोर्ट नहीं है कहीं पे भी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू सेटअप, एंड देन इफ यू सी लाइक दिस बटन ओवर हियर, सो व्हेन यू प्रेस दिस सेटअप ओवर हियर, आई होप यू गाइस कैन सी दिस सेटअप. So when you press this button, you see this, you get this option over here. So right now, I am on M1 mode, right? So M1 mode में ये setup किया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने engine is on efficient, chassis comfort, steering comfort, brake comfort, of course. So ये मेरा M1 का configuration है. अगर मैं आपको अभी इसमें M2 press कर, जो यहाँ पे ये M2 है. So now you can see also हल्का सा exhaust note भी बदला है, और ये मेरा M2 का configuration है. So, मैंने M2 में इंजन स्पोर्ट्स प्लस, चेसिस स्पोर्ट्स प्लस, स्टीयरिंग स्पोर्ट्स, ब्रेक स्पोर्ट्स, ट्रैक्शन मैंने दोनों में ऑन रखा है. M1 में भी ऑन रखा है, M2 पे भी ऑन रखा है. ट्रैक्शन दोनों में ही प्रॉपर है, ऑन है. सो दिस इज अभी मैंने पहले M1 में रेफ किया था, अभी मैं आप लोगों को M2 पे रेफ करके सुनाता हूँ. ये सेटअप पूरा मैंने इसका क्रिएट किया है, M1 एकदम कम्फर्ट, M2 एकदम वाइड. तो अभी मैं आप लोगों को M2 में इसका एग्जैक्टली एग्जॉस्ट नोट कैसा हुआ मैं सुनाता हूँ. हियर वी गो. हल्का सा क्रैकल्स भी है, बट नॉट बैड. M2 इज स्टिल फाइन. अब आपको मैं M1 दबाऊंगा, डिफरेंस देखना हाउ मच द ऑडियो इज डूइंग द जस्टिस, बट काफी डिफरेंस हो जाता है रियल में. M2, M1. ओके, सो कमिंग बैक इंटीरियर, दिस हैज अमेजिंग स्टीयरिंग व्हील. सो नाउ यू गाइस कैन सी इट हैज द पैडल शिफ्टर ओवर देयर, ओवर देयर, एंड इट हैज द कार्बन फाइबर इंसर्ट, फ्यू पैनल्स आर कार्बन फाइबर, नॉट द फुल स्टीयरिंग, बट इट हैज अ गुड फील टू इट. काफी मस्त है इसका स्टेयरिंग व्हील, तो मैं इसका स्टेयरिंग व्हील तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा. ठीक है, फिर इसका सब कुछ, ऑल द इंटीरियर ट्रिम्स जो भी सेंटर पार्ट में है, इवन दिस फुल एवरीथिंग इज कार्बन फाइबर, ग्लॉस कार्बन फाइबर, इवन दिस इज कार्बन फाइबर. अभी जो इसका है, मैं शायद सोच रहा हूँ इसको मैं ऐसे ही आने दूँ इसका, क्योंकि इसका पर्टिकुलर कोई कार्बन फाइबर पार्ट तो आता नहीं है, तो इसको मैं ऐसे ही आने दूंगा. और मुझे इस पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाना, क्योंकि इस पर काफी ज्यादा हैंड के मार्क्स आ जाते हैं, आप अगर देख सकते हो वीडियो में ऑलरेडी आ गया है. एंड इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइटिंग एज वेल. Video might not do the justice, but camera lighting बहुत ही beautiful लगता है इसमें. There are a few options as well, so not bad. Okay, here is the thing, guys. Apparently, this is, if I'm not wrong, this is iDrive 7 and iDrive 8 भी आ गया है. But मैं सच बोलूँ, मैं iDrive 8 जो मैं को मैंने बताया भी था उस पहले वाले XM वाले वीडियो में, कि मुझे हल्का सा complication होता है ACB मेन्यू में जाके. यहाँ पे ये बहुत easy है मेरे लिए, यहाँ पे सब कुछ है. उसमें जब आप iDrive 8 होते हो, उसमें सब कुछ आपको मतलब स्क्रीन से ही करना पड़ता है, जो आपके ड्राइविंग पे फोकस नहीं रहता, तो मेरे को तो ये चल जाता है. एंड अ वेरी नाइस, वेरी गुड लुकिंग इंटीरियर. अभी आप लोग मुझे बताओ क्या क्या कहना चाहिए. मैं तो पहले तो आप जैसे आपसे मैंने अभी साबी पूछा था कुछ टाइम पहले, मुझे प्रॉपर एग्जॉस्ट सेटअप डालना है इसमें, मुझे क्या मुझे एड्रोक्रो स्पॉयलर डालना चाहिए, जो काफी ज्यादा उसका कॉस्टिंग हो है. दूसरी भी कंपनी है जिनके स्पॉयलर्स अवेलेबल है, तो क्या मुझे पर्टिकुलरली एड्रो का ही डालना चाहिए, किसी और कंपनी का भी ट्राई कर सकता हूँ. ऑल्सो मुझे क्या ट्यून करना चाहिए, बिकॉज ट्यूनिंग का भी एक लंबा प्रोसीजर होता है. तो सब कुछ जितना भी है मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सजेस्ट करो, तो फिर मैं उसके सोचूंगा उसके बारे में. एंड इट हैज गुड स्टोरेज स्पेस एज वेल, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी जगह है इसमें. यहाँ पे इट हैज अ वायरलेस फोन चार्जिंग एज वेल, और कप होल्डर पीछे भी, अगर समझो कोई सामान रख, जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ दो लोग बैठे तो पीछे भी काफी सामान रख सकते हैं. बूट स्पेस मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो अभी अपन चलते हैं. मैं आप लोगों को हल्का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, रोलिंग में कैसे इसका एग्जॉस्ट नोट है वो भी आपको मैं सुनाना चाहता हूँ. ओके गाइस, सो बिना किसी मतलब का आज फ्राइडे है और इतना ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब इस टाइम पे इधर जाने के लिए तो ट्रैफिक कभी नहीं होता था इतना, और आज देखो गाइस क्या कंडीशन है ट्रैफिक का, लिटरली मतलब पैक्ड.
समझ में नहीं आता यार गाइस कि क्या सीन है यार मुंबई में. इट्स सो डिफिकल्ट. लाइक फॉर 5-6 किलोमीटर्स वी हैव टू लाइक लिटरली वेस्ट मोर देन 45 मिनट इन द ट्रैफिक. आई डोंट अंडरस्टैंड क्या सीन है. देखो गाइस कंडीशन देखो बस, क्या गाड़ी चलाएगा यार इसमें इंसान. और अभी तो गाइस ऐसा हुआ, मैं घर से निकला और मेरा टायर पंक्चर हो गया. मतलब टायर पंक्चर आई गेस पिछले बार मेरे को जब मैं लास्ट टाइम चला देंगे कहा तो मुझे लगा था कि टायर में हवा कम होगा, बट मैंने जब डाला था तो ये नॉर्मल चल रहा था. आज देखा सडनली एकदम ड्रॉप हो गया, तो मैंने सोचा चलो चेक कर लेता हूँ. और एक हील घुसा हुआ तो उसको निकलवाया. अभी फाइनली जाके ये टायर पंक्चर ठीक हुआ और अभी मैसेज भी चला गया. दूर दूर तक देखो गाइस यार क्या ट्रैफिक है, मतलब समझ में नहीं आता है. ओके सो गाइस इसमें आपको मुझे एक चीज बतानी थी, द सीट्स आर सुपर 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 कंफर्टेबल. मतलब इट डजंट फील लाइक कि यू नो यू आर ड्राइविंग सच अ पावरफुल कार. इट्स वेरी पावरफुल गाइस, व्हेन आई से दिस आई मीन इट. इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी वेरी पावरफुल. 2 आवर्स लेटर पूरा हाईवे पर ट्रैफिक है गाइस, क्या बोलूं मैं. बस ऐसे ही चला रहा हूँ तब से. बट इट्स अ बीस्ट गाइस. सो इट्स 3 लीटर इनलाइन 6, 510 हॉर्स पावर, 650 न्यूटन मीटर टॉर्क. क्रेजी पावर. मैं पहले तो M5 कॉम्पिटिशन के लिए सोच रहा था, बट M5 कॉम्पिटिशन अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था, सब सेल आउट हो चुका था. तो और सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल था, बट एज यू गाइस नो आई डोंट बाई सेकेंड हैंड कार्स. सो मैंने बोला यार जाने तो कोई बात नहीं. M4 कॉम्पिटिशन भी काफी पावरफुल है यार, एंड राइट नाउ दे से इट्स वन ऑफ द बेस्ट कार टू ओन. इसमें जो आउटकम है, मतलब वंस यू मेक दिस कार लाइक प्रॉपरली ट्यून दिस कार विद अ प्रॉपर सेटअप, ये कार किसी को भी खा सकता है. एक्चुअली आई एम नॉट किडिंग, दिस कार कैन ईट एनी कार, वेरी पावरफुल. मैं सोचा था आप लोगों को हल्का सा एक एग्जॉस्ट नोट सुनाओ, बट फिर उसके लिए भी तो खाली रोड चाहिए ना, कहाँ खाली रोड है, कहीं पे है. सो आई ट्राई स्टिल, आई विल मेक श्योर कि मैं एक छोटा सा एग्जॉस्ट क्लिप पक्का डालूं. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो. मैंने जो सिनेमैटिक शॉट्स डाले आप लोगों को अच्छा लगा हो. आई थिंक इस व्लॉग में वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक शॉट्स डाले हमने. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे, होपफुली आप लोगों को कार भी अच्छा लगे. आप लोग प्लीज बताना गाइस कमेंट सेक्शन में आपको कार कैसा लगा. एग्जॉस्ट नोट भी डाला मैंने, आप लोग बताना कैसा लगा. अभी इतना लाउड नहीं है गाइस, बीइंग ऑनेस्ट इट्स वेरी नॉर्मल. सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में ही पूछा था आप लोगों को कि आप लोग प्लीज सजेस्ट करना बेस्ट एग्जॉस्ट सेटअप, इसमें क्या डालूं मैं. मैं ऐसे भी डालने वाला हूँ उसका एग्जॉस्ट, बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल लाउड. मतलब लाउड है ही नहीं है, इतना तो अपने को जमता ही नहीं है. तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना गाइस इसमें कौन सा एग्जॉस्ट सेटअप डालना चाहिए. ओके प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर द वीडियो, इट मीन्स अ लॉट टू मी. यस लव यू गाइस दिल से. सी यू वेरी वेरी सून, वन क्रेजी 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 कंटेंट कमिंग दिस मंथ, ऑल्सो दिस ईयर. तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू, लव यू ऑल दिल से.